आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आपने एक चेहरा अक्सर देखा होगा, सिर पर तारे वाली टोपी लगाए, मुंह में सिगार दबाए। कुछ कहते हैं वो अमेरिका का कोई रॉकस्टार है, तो किसी का कहना है कि कोई भूला बिसरा कंट्री सिंगर। ये चेहरा दशकों से टी शर्ट्स पर दिखता रहा, कॉफी मग पर दिखता रहा, पोस्टर्स में छपता रहा, लेकिन ये आखिर है कौन? ये है चे गेवारा, अर्जेंटीना का एक डॉक्टर जिसकी दुनिया तब बदल गई जब उसने अपने एक दोस्त के साथ लैटिन अमेरिका का मोटरसाइकिल पर दौरा किया। गरीबी और लाचारी को देखकर उसने जो तय किया वही उसे क्यूबा की क्रांति के लिए लड़ने वालों के करीब ले गया। फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो संग मिलकर चे ने बटिस्टा का तख्ता पलट कर दिया जिसे अमेरिका ने क्यूबंस के सिर पर बैठाया था। इसके बाद चे ने बाकायदा मंत्री बनकर क्यूबा की सेवा की, लेकिन बेचैनी से भरा यह शख्स थमने वाला कहां था। सरकार में नंबर टू होने के बावजूद उसने सत्ता का मुंह त्यागा और एक बार फिर एक और देश के लिए निकल पड़ा, एक और लड़ाई लड़ने, एक और क्रांति लाने। लेकिन महज 39 साल की उम्र में आज ही के दिन साल 1967 में चे को मार डाला गया। वो बोलीविया में लड़ रहे थे, क्रांति की अगुवाई कर रहे थे। अमेरिका के CIA ने उन्हें खत्म करने में कामयाबी तो हासिल कर ली, मगर आने वाले वक्त में चे पहले से ज्यादा लोकप्रिय होते गए। चे गेवारा के विचारों या तरीकों से सहमति असहमति अलग बात है, मगर वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे और बरसों बरस बाद भी क्रांति चाहने वालों के लिए रोल मॉडल हैं। कमी लोगों को मालूम है कि वो एक दफे भारत भी आए थे, नेहरू के जमाने में। ये बात जाहिर तब हुई जब जनसत्ता के पूर्व संपादक और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति ओम थानवी ने इस पर लेख लिखा। थानवी क्यूबा भी गए थे, चे के घर तक हो आए। यही उनको पता चला कि चे ने तो भारत का दौरा किया था, मगर वो किन वजहों से सुर्खियों में नहीं आया और भारत आए चे इस देश के बारे में क्या सोचते थे, गांधी के बारे में उनका क्या कहना था, भारत के आजादी के आंदोलन पर उनके क्या विचार थे, ये सब कुछ जानना बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा हूं मैं नितिन ठाकुर, मेरे साथ हैं ओम थानवी। सर, आज के दिन यानी 9 अक्टूबर 1967 को चे गेवारा की हत्या हुई थी, महज 39 साल के वो थे। क्या कमाल है कि अर्जेंटीना में पैदा हुए, डॉक्टर बने, फिर क्यूबा की क्रांति में कूद गए, जान की परवाह नहीं की, नायक बनकर उभरे, बाद में वहां मंत्री हुए पर उन्हें चैन नहीं आया, उसके बाद बोलीविया पहुंच गए क्रांति करने, आखिरकार मारे गए। आपने तो चे को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि आप क्यूबा में उनके घर तक गए हैं, तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपकी नजर में चे गेवारा क्या है? चे क्रांतिकारी हैं ये तो सारी दुनिया जानती है, वो क्रांति के प्रतीक बन गए ये भी सारा संसार जानता है, लेकिन मैंने उनको एक मानवीय एक शख्सियत के रूप में देखने की समझने की चेष्टा की, क्योंकि उनका क्रांति का जो रास्ता था उस रास्ते से तो मैं इत्तफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग तो गांधी जी के देश में हैं और गांधी विचार को मैं बहुत गहरे से मानता हूँ और उसकी बुनियाद में अहिंसा है, और चे का जो रास्ता था और जो भी उस वक्त की परिस्थितियां थी, हमारे यहाँ भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत लोग हुए जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, उस रूप में नहीं जिस रूप में क्यूबा के क्रांतिकारियों ने अपनाया, लेकिन हिंसा एक चीज है जिसको आप अलग कर दें और हम कहें कि हम उसको नहीं मानते या इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन जज्बा जो है क्रांति का वो कई दफा आप पाएंगे कि समान होता है। भगत सिंह के जज्बे को गांधी जी ने भी नकारा नहीं था और गांधी जी के जज्बे को भगत सिंह या जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने भी कभी नहीं नकारा था। रास्ते अलग अलग थे, लक्ष्य एक था, तो चे गेवारा का लक्ष्य भी वही लक्ष्य था जो आजादी पाने के लिए हमारा था। लेकिन जी, लेकिन इसके साथ साथ एक जो मानवीय जो मैंने कहा कि जो पहलू था, वो डॉक्टर थे और फिदेल कास्त्रो के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो मुलाकात इस रूप में नहीं थी कि उनको वहां कमांडर बनना था, वो चूंकि चिकित्सक थे उस रूप में वहां
उनसे जुड़े और उनके साथ में रह के अनुभव हासिल करना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके समूह में रहना था और बंदूक चलाना भी सीखना था और लक्ष्य सामने साफ था कि किस तरीके से बातिस्ता के आतताई शासन से जूझना है, तो उसमें जूझते हुए जो उनका एक लड़ाके वाला जो जज्बा था तो उनको बाद में कमांडर भी बना दिया गया था। पर उस मानवीय पक्ष को पहलू को समझने में मेरी दिलचस्पी ज्यादा रही, जो आपका मूल सवाल था, क्योंकि छायाकार के नाते मैं जब गया क्यूबा तो हवाना में किताब मिली थी कि चे एक छायाकार के रूप में, उसमें उनकी भारत यात्रा की खींची हुई तस्वीरें थी जो उन्होंने खुद अपने कैमरे से यहाँ पे खींची थी। तो ये एक मानवीय जो पक्ष नजर आता है उनमें, घूमते मोटरसाइकिल लेके निकल गए और घूमते फिर रहे हैं, तो मैंने उस रूप में चे की उस मानवीयता को समझने की चेष्टा की। सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरू में ही कही कि हम गांधी के देश में हैं, तो पहले तो मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि चे गिवेरा का, आपने तो पढ़ा भी है इतना उन्हें, गांधी को लेकर क्या दृष्टिकोण था, क्या विचार थे, और फिर मुझे बताइएगा जब आप उनके घर पर गए तो एक मानव के तौर पर आपने क्या उनमें पाया, क्योंकि दुनिया के लिए तो अभी वो महामानव ही हैं। तो पहले गांधी जी पर बात। गांधी जी के बारे में जो जब चे यहाँ आए, और ये आप जानते हैं 30 जून 1959 की बात है जब वो काहिरा से, कैरो से सीधे भारत आए, और यहाँ आने के बाद में नेहरू जी से मिले, इंदिरा गांधी वहाँ थी, वी के कृष्णा मेनन जो हमारे रक्षा मंत्री थे उनसे मिले, और कई मंत्रियों श्री मन्नारायण आदि से मिले, और उसके बाद वो आसपास किसानों को, खेतों को और विकास की और गतिविधियां जो थी उनको देखने गए। उसके बाद वो कोलकाता भी, जब तो कलकत्ता था वहां भी गए। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि गांधी जी के बारे में उनको जानकारियां हासिल हुई नहीं मालूम, ऐसा नहीं लगता कि उनको वहां गांधी जी के बारे में कुछ ज्यादा पता था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने यहाँ से लौट के एक रिपोर्ट फिदेल कास्त्रो को सौंपी थी, जो और देशों में भी उतनी लंबी यात्रा थी, कई देशों में गए थे, तो जो भारत से लौटने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने फिदेल कास्त्रो को सौंपी थी वो मुझको उनके बेटे के सौजन्य से, जो उसी घर में जब इसका जिक्र आप कर रहे हैं मैं देखा, तो वो वहां वो रिपोर्ट मेरे लिए छोड़ के चले गए थे, और वहां जो व्यक्ति वहां मौजूद था उसका नाम मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जी हाँ जी, तस्वीर भी मैंने दी है, क्योंकि उसने मुझको वो उपहार भी बताया था जो नेहरू जी ने दिया था। कटार थी सर, छोटी सी, छोटी कटार थी चे गेवारा को, और उस पर नक्काशी थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि चे के बेटे ने जाते जाते कहा कि ये जरूर पूछना है मुझको, मुझसे, कि ये औरत कौन है। तो वो औरत क्या, वो तो देवी उस कटार पर बनी हुई है, जो दुर्गा देवी है, यहाँ दुर्गा की है, तो पर उनके लिए तो महिला ही हुई ना, उनके लिए तो उनको नहीं पता कौन है, तो उन्होंने कहा कौन औरत है, उनका कि ये देवी है और कई नामों से हमारे यहाँ पे जानी जाती है, पर उन्होंने पूछ लिया। तो वहां वो रिपोर्ट जो मुझको मिली, जो उनके बच्चे के बेटे छोड़ के गए थे, वो रिपोर्ट कभी भारत में छपी नहीं थी उससे पहले, और वो स्पेनिश भाषा में थी, और मैंने लौट करके स्पेनिश, स्पानी जो भी कहिए, उस भाषा के जो जानकार हैं, प्रभाती नौटियाल, बड़े अच्छे विशेषज्ञ कहना चाहिए, बहुत अनुवाद उन्होंने किए हैं स्पानी भाषा से, तो उनका जो यहाँ पर पूरा जो ये अनुवाद जो था जब सामने आया, तब लोगों को पता चला कि ऐसी भी कोई रिपोर्ट चे ने वहां पे लौटने के बाद दी थी। उस रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि गांधी जी के बारे में, सत्याग्रह के बारे में चे ने यहाँ आकर के जाना, क्योंकि उन्होंने फिदेल को वहां पे बताया है कि हम लोगों ने ये रास्ता शायद कभी सोचा नहीं था, यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह के जरिए कमाल है सर जो है वो क्रांति हासिल की। सर किस तो, साल, एक मैं टोक रहा हूँ, किस साल आए थे वो हिंदुस्तान? 1959 में, 1959। अच्छा, तब तो गांधी जी थे भी नहीं, 10 साल गए हुए करीब करीब। जी जी जी, अच्छा, तो उन्होंने बताया कि ये भी एक रास्ता था जिस तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया और हमें पता नहीं था।
हाँ, मैं आपको बताऊं कि उस रिपोर्ट की जो ठीक ठीक पंक्तियां हैं जी हाँ जी प्लीज इस रूप में थी। उन्होंने ये लिखा है कि जो हमारे यहाँ पे आंदोलन चला उस आंदोलन के बारे में एक पंक्ति लिखी है उन्होंने कि हमारे अंग्रेजों के राज की वजह से हमारे यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग तो तबाह हुआ ही, भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को ध्वस्त करने और भारतीयों को अनंत काल तक अपने साम्राज्य के बोझ के नीचे दबाए रखने पर भी ब्रिटेन आमादा था। वर्तमान सदी का कुछ हिस्सा और 19वीं सदी के इन्हीं हालात में देश को यत्र तत्र विद्रोह के रास्ते पर डाला। औपनिवेशिक अंग्रेजी सत्ता पिछली बड़ी लड़ाई से तो बच निकली लेकिन विघटन के स्पष्ट संकेतों के साथ महात्मा गांधी के गहन व्यक्तित्व के माध्यम से भारत ने अपने सत्याग्रह को जारी रखा और अंततः अपेक्षित स्वतंत्रता हासिल की। जो सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने जो लिखा है, ये सत्याग्रह ही शब्द लिखा हुआ है मूल भाषा में भी तो। और दूसरी एक चीज इसके साथ जोड़ के मैं आपको बताऊं कि जब चे दिल्ली आए तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर एक बातचीत प्रसारित की गई थी और केपी भानुमति रिपोर्टर थी, उनसे मिला था, अब वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने वो बातचीत की थी, उनके घर पे वो फोटो भी लगा हुआ था जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए वो इंटरव्यू ले रही हैं और वो ऑल इंडिया रेडियो वाला माइक सामने रखा है। ये अशोक होटल में बातचीत हुई थी। उस बातचीत में भी चे गेवारा ने उनको ये कहा था कि देखिए, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि आजादी के लिए स्वतंत्रता की जो लड़ाई आपके यहाँ लड़ी गई वो लड़ाई बगैर हथियारों के थी, सत्याग्रह के जरिए थी, पर हमने तो क्यूबा में कभी सोचा भी नहीं था कि कोई और तरीका भी हो सकता है हथियारों के अलावा आजादी की लड़ाई लड़ने का। ये उस जमाने में आप अंदाज लगा सकते हैं कि संप्रेषण का भी अब तो बिल्कुल सूचना की क्रांति में सारी जानकारियां, सारे तरीके, सारी चीजें बहुत जल्दी दुनिया में एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं, लेकिन उस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद नहीं पहुंची होंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ गांधी जी सर। लेकिन तब चे तक भले ना पहुंचा हो, लेकिन चे पूरी दुनिया में चले गए, पूरी दुनिया में फैल गए, यहाँ तक कि अमेरिका में जो उनको अपना दुश्मन मानता था और आखिरकार उसी के इशारे पर खत्म किए गए, वहां का भी जो यूथ है वो चे को चे उनमें भी पॉपुलर है और हमारे यहाँ तो टी शर्ट पर लोग उन्हें पहनकर घूमते हैं भले पता ना हो कि ये कौन है। आप इस लोकप्रियता के पीछे क्या कारण मानते हैं कि सब जानते हैं उन्हें, मतलब उनके बारे में ना जानते हो उन्हें जानते हैं? देखिए, वो लोकप्रियता रातों रात नहीं हासिल हुई है, बल्कि चे की जिस तरह से हत्या हुई और CIA वर्षों तक वहां पे ये कोशिश करता रहा, ये चीजें जिस ढंग से वहां पे घटित हुई और चे का व्यक्तित्व भी जैसा आपने बताया शुरू में कि क्रांतिकारी रहे, उसके बाद वो मंत्री भी हो गए, अब मंत्री हो गए, उसके बाद में अचानक मंत्रित्व तो छोड़ करके मंत्री पद को, और फिर कांगो चले गए, बोलिविया चले गए, और फिर वहां पर जिस ढंग से मारे गए, तो ये सारी जो चीजें थी उसके बाद उनके व्यक्तित्व को लेकर के एक क्रेज जो है वो लोगों में पैदा हुआ। और उसके बाद ये जो आपने कहा ये तो सही बात है, ये जो उनकी तस्वीर है वो तस्वीर दुनिया की सबसे ज्यादा छपी हुई तस्वीरों में मानी जाती है और मैंने उस तस्वीर के बारे में भी अध्ययन किया था। अच्छा। ये तस्वीर जो मुख्यतः ये तस्वीर है ये इस रूप में नहीं थी, एक बड़ी तस्वीर थी। सर आप सिगार वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं? जो उनके चेहरे की तस्वीर, जो चेहरा जी 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 ठीक है, जो टी शर्ट पर चेहरा छपता है और उस चेहरे से आपको लगता है कि आंखों से आग निकल रही है और वो एक विद्रोही का चेहरा लगता है, लेकिन जो पूरी तस्वीर है उस तस्वीर में तीन लोग हैं और उसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और कुछ पेड़ की झाड़ियां वाड़ियां भी हैं। तो ये तस्वीर जिन्होंने ली थी, कोरदा उनका नाम था और कोरदा एक सरकारी फोटोग्राफर थे, तो कोई इटली से फोटो लेने के लिए जो लोग वहां आए थे चे गेवारा के, तो उन्होंने उनके सामने सारी तस्वीरें रख दी थी, तो उन्होंने ये तस्वीर भी ली और भी तस्वीरें ली, तो उन्होंने पैसा मांगा तो कोरदा ने ये कहा था कि मैं कमांडेंट तो यानी कमांडर के
तस्वीर के लिए पैसा नहीं ले सकता हूँ, मैंने तस्वीरें इसलिए नहीं खींची थी। तो खैर वो फोटो भी उसमें शरीक थी जो वो लेके चले गए। अब वो इटालियन संपादक का कमाल था कि उन्होंने उस तस्वीर को संपादित किया। ये मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि संपादन किस तरह से चीजों को निखार देता है। उसमें उन्होंने सिर्फ इतना चेहरा जो है वो जूम किया, उसको उसको क्लोजअप की तरह पेश किया, और वो जो पूरी तस्वीर का जो असर है वो आप देखिए जादू की तरह हुआ। वरना वो पूरा पूरी तस्वीर वो भी नेट पे आपको मिल जाएगी जो पूरी तस्वीर थी। और वो कोई उन्हीं के एक दल के व्यक्ति को मार डाला था, जो जो कोई क्रांतिकारी उनके साथ का था, और उसकी उसके शोक में वो सभा थी। तो आंखों में जो खून, आंखों में जो आग जो उसमें उस वक्त थी चे के चेहरे पे जो दिखाई दी, वो क्लोजअप होने पर वो ज्यादा उभर कर बिखर कर सामने आया। सर आप तो क्यूबा गए, वहां पर इतना रिसर्च किया, वापस आया, लेख लिखा, कितनी दफे तो मैं ही आपका वो लेख फेसबुक पर और इधर उधर बार बार दोहराता हूँ, और लोगों को हर बार हैरानी होती है कि चे गेवेरा भारत आए, हमें पता नहीं था, और बहुत सारे कम्युनिस्ट, क्योंकि चे गेवेरा कम्युनिस्ट थे, उन्हें भी नहीं पता है। इसके पीछे क्या कारण रहा कि जबकि वो तो राजकीय अतिथि थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनकी इस यात्रा का उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और आपको लिखना पड़ा तब लोग आज जान पा रहे हैं। 30-40 साल तक ये यात्रा इस तरह गुपचुप रही, किसी को पता ही नहीं चला, क्यों सर ऐसा क्या हुआ? इतने बड़ी सेलिब्रिटी तो थे ही, भले ही सहमत असहमत रहे हम उनसे। इस पर मैंने थोड़ा इशारा करने की कोशिश की है उसमें कि वो तो असल में भारत सरकार के बुलावे पर यहाँ आए थे। भारत सरकार ने क्रांति हो गई और नेहरू जी ने बुलावा भेजा, वो यहाँ पे आए। और मजे की बात ये थी कि वो जब यहाँ आए तो हिंदुस्तान टाइम्स जो बिड़ला जी का अखबार था उसमें पहले पेज पर 2 दिन लगातार चे गेवारा की तस्वीर छपी जी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार गणशक्ति उसमें तस्वीर नहीं छपी, खबर भी नहीं छपी। तो ये जो चीज है इसके बारे में कई तरह की कई चीजें हो सकती हैं। मुझको ऐसा लगता है जी कि हमारा जो कम्युनिज्म यहाँ पे है वो रूस से प्रभावित था, बल्कि रूस से निर्देशित भी था, हमेशा रहा। और जब एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी तब भी, उसके बाद में 2 हो गई, उसके बाद भी, तो उस वक्त तो एक ही थी। और रूस से चूंकि उनका सीधा सीधा जो भी संबंध था, सहमति थी, टकराव था, हाँ, उसके मॉडल से सहमत नहीं थे, आलोचना कर रहे थे खुलकर। पार्टी जी, पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी का जो संबंध था। हाँ, मैं कह रहा हूँ चे गेवेरा जी जी, एक पे आता हूँ मैं, तो वो निर्देश ही वहीं से प्राप्त होते थे। और इसी के चलते तो आगे जाके इमरजेंसी को उन्होंने आंख बंद करके समर्थन किया हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, खासकर जो सीपीआई से जुड़े हुए जो लोग थे, सीपीएम के लोग अलग थे, सीपीआई के लोगों ने जो जो समर्थन किया। तो ये जो रूस का जो मामला था वो ये था कि चे ने अल्जीरिया में एक भाषण देते हुए रूस की कम्युनिज्म की निंदा की थी। अच्छा। उन्होंने उसको इंपीरियलिस्टिक कम्युनिज्म बताया था। अच्छा। और ये औपनिवेशिक साम्यवाद है, ये हमको अपने हथियार बेचते हैं, पैसा कमाते हैं और वक्त पड़ने पे हमारे काम नहीं आते हैं। वो बहुत पहले पहचान गए थे सर। तो उन्होंने चीन के कम्युनिज्म को की तारीफ की थी। अच्छा। तो अब ये हुआ कि इस, और कहते हैं इसकी वजह से फिदेल पर भी दबाव शायद रूस ने डाला और भी जो भी हुआ, पर यहाँ पर ऐसा मैं अंदाजा लगाता हूँ कि यहाँ पर जो उनको एक तरह से ब्लैकआउट ही कर दिया गया। और वरना तो ये तो जाहिर है कि अगर चे गेवारा यहाँ पे आते तो यहाँ के कम्युनिस्ट उनको सर आंखों पे बिठा कर घूमते और उनका अखबार तो पूरा ही भरा रहता उनकी तस्वीरों से, और हिंदुस्तान टाइम्स तस्वीर छापे और गणशक्ति न छापे, तो इसके पीछे ये मानना चाहिए कि कोई कारण जरूर रहे होंगे। और ये मेरा ख्याल है कि ये जो रूस और चीन और ये जो इनका जो तेवर था चे का अल्जीरिया में, खासकर रूस के खिलाफ, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी उनको वो एक तरह से वो स्वागत उनका नहीं हुआ उन्हीं के विचार के लोगों से। और धीमे धीमे करके मेरा मानना ये है कि चूंकि उस चीज को उन्होंने लगातार
उसकी उपेक्षा करके रखी और उस उपेक्षा के चलते हुए, और बाकी लोग तो चेह को क्यों याद करने वाले थे, चेह को कम्युनिस्ट याद करते, वो जो कि उस वक्त वो बिल्कुल उपेक्षा या उस चीज को भुलाने का ही उद्यम करते रहे, और 50 सालों में सचमुच वो एक तरह से पूरी की पूरी चीज मिट गई, इस ढंग से मिट गई कि मैंने जब हवाना से लौट के और काफी तथ्य जुटाने के बाद में, पर यहाँ भारत यात्रा की तस्वीरें नहीं मिल रही थी जी, ये भारत आए उसकी तस्वीरें तो मिले, तो तस्वीरें कहाँ हैं? तो मैंने हमारे साथी थे विवेक सक्सेना, उनको आग्रह किया, और वो जो सरकारी विभाग हैं दिल्ली में वहां गए, और उसके बाद सीजीआई कॉम्प्लेक्स में, और वहां से जो इनका पत्र सूचना कार्यालय का जो फोटो विभाग है अलॉट के, उन्होंने कहा कि मैं वहां जाके आया हूँ, उनका कहना है कि चे भारत कब आए थे, चे भारत आए होते, क्योंकि वहां जो अधिकारी थे वो चौंके, उन्होंने कहा वो अगर आए होते तो हम कितनी उनकी कहाँ कहाँ तस्वीरें लगाए नहीं रहते, और यहाँ आए थे। तो फिर मैं खुद वहां गया, और शायद मेरे ख्याल में पहली बार मैं किसी सरकारी दफ्तर में क्या होऊंगा, मेरा काम भी नहीं था, पर वहां जो फोटो विभाग के निदेशक थे तब एक बंगाली शायद सेन गुप्ता उनका नाम था, तो उनसे मैंने बात की और उनको मैंने कई तथ्य बताए कि देखिए ये चिट्ठी दिल्ली से चे ने अपनी माँ को लिखी थी, और ये ली एंडरसन ने उनकी जीवनी में ये जिक्र किया है, और तमाम जो इस किस्म की जानकारियां, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैंने कहा ये रिपोर्ट भारत से लौटने के बाद उन्होंने फिदेल कास्त्रो को सौंपी, ये स्पेनिश में लिखी है और वहां के लोकल अखबार में छपी भी थी स्पेनिश में, और ये उसका हिंदी अनुवाद हमने करवाया है तो हम अपने अखबार में छापेंगे। तो उनको थोड़ा लगा कि हाँ बात में दम तो लगता है, लेकिन वो हैरान थे कि चे गेवारा की तस्वीर, चे गेवारा दिल्ली आए थे और हमें पता नहीं, हमने सुना भी नहीं, और बंगाल में जरूर उसका एक अलग ही रहता। तो उन्होंने कहा मैं पता करवाता हूँ, और उसके बाद में कुछ रोज बाद उनका एक रोज फोन आया और कहने लगे कि थानवी साहब फोटो मिल गया है, तो और 14 फोटो उनको मिले, और उनमें मेरठ के गांव में मशहूर फोटो अब तो बहुत छप गया है जिसमें वो अपने ओलिव पूरे उस वेशभूषा में हैं और उनका स्वागत एक गांधीवादी खादी टोपी पहने हुए एक किसान कर रहे हैं, और भी तस्वीरें थी वो बाद में मिली, और फिर बाकी चीजें तो बहुत सारी खैर अब सब सब चुकी हैं। कई बार एक ब्रेक लेते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। सर आपने तो इतिहास के छात्रों पर एक तरह का एहसान कर दिया, मेरे जैसे खास तौर पर, जो सहमत असहमति अलग चीज है, लेकिन इतनी ऐतिहासिक यात्रा और ऐसे गायब कर दी जाए केवल असहमति के कारण, बहुत दुखद है। अच्छा दो सवाल जल्दी से पूछूंगा और जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा, आखिरी दो सवाल है। आरोप लगते रहे हैं कि चे गेवारा कातिल थे साहब, बहुत लोगों को मारा उन्होंने, तो उनकी जो हीरो टाइप वर्शिप है वो गलत है, इसके डिफेंस में वो कभी कुछ कहते थे क्या? जैसे मैं मतलब भगत सिंह से उनकी कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगत सिंह पर भी इस तरह के इल्जाम लगते थे, तो वो यही कहते थे कि न्यूनतम व्यक्तिगत हिंसा ये क्रांति में हो सकती है, मैं इसका पक्षधर हूं, हिंसा का नहीं हूं, मानव जीवन हमारे लिए पवित्र है। क्या चे भी अपने कुछ डिफेंस में ऐसा कुछ कहते थे सर? भगत सिंह और चे की उस रूप में तुलना करना उचित नहीं होगा, भगत सिंह ने इस तरह से लोगों को नहीं मारा और उस ढंग का संघर्ष जो है वो नहीं किया, और चे का जो वहां पे एक तो चूंकि नंबर टू ही थे फिदेल के बाद में, एक फिदेल के भाई राहुल और चे, तो जो लोग बातिस्ता के जिन्होंने उस वक्त काफी अत्याचार किया, तो जब ये लोग पहुंच गए थे हवाना, तो उसके बाद में उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब ऐसा कहा जाता है कि उन पर जो है वो मुकदमा चला, और उसके बाद में उस ट्रायल के बाद उनको, चूंकि उन्हीं की अदालत थी जी, और उनकी अदालत ने अगर उनको गुनहगार ठहरा दिया तो उनको खड़ा करके और उनको भून दिया गया। अब इस रूप में ये जो चीजें
सामने आई, आरोप लगे, तो ये तो मुझको, मैं तो कभी इस चीज को उचित नहीं ठहरा सकता हूँ। और चे ने इसके बारे में कुछ कहा हो ऐसा मुझको नहीं ख्याल पड़ता कि चीजें, क्योंकि उस वक्त अचानक जब ये सब क्रांति के बाद उन सब लोगों से निपटने की बात थी, तो आप किस तरीके से निपटते हैं ये निर्भर करता है कि सरकार क्या, चूंकि सरकार हमेशा ही वहां पर लोकतंत्र तो नहीं है, आज भी नहीं है, हम जानते हैं कि मुझे बल्कि हैरानी होती थी, हमारे दोस्त जो वहां से आते थे और चूंकि तारीफ करते थे क्यूबा की, तो क्यूबा की तारीफ तो मैं भी करता हूँ, उस जज्बे को भी सलाम करता हूँ, और वहां पे जो किसानों को लेकर के जो काम हुआ, खेती को लेके और चिकित्सा क्षेत्र में जो काम हुआ उसकी भी तारीफ करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र के लोप को कभी भी मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता हूँ। वहां पे हमको कोई अखबार ही नहीं मिलता था होटल में, वहां कोई टेलीविजन भी नहीं देख सकते, अखबार एक ही था, वो सरकारी अखबार था, रूस में प्रावदा हुआ करता था, वहां भी एक अखबार वहां का मिलता था, तो उसमें क्या छप सकता है, अगर सरकार अखबार निकालती है तो आप अंदाज लगा सकते हैं ग्लोबल टाइम्स जैसा हो गया होगा चीन के। और टेलीविजन भी जो था वो भी आप कुछ नहीं देख सकते, तो उसमें अमेरिका के कुछ चैनल आते थे और उसमें कार्टून आते हैं या खाना कैसे बनाए वगैरह इस तरह का था, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था। तो ये चीजें तो मतलब वहां हमेशा मतलब अब तक आप ताजा क्या हालात है मुझे नहीं मालूम, कहते हैं कि वहां पर्यटक अब आने लगे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने बाजार को भी खोला है, लेकिन हमको वहां पे बहुत गरीबी और बिल्कुल लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो कोई इस ढंग से नहीं नजर आता था कि आपने क्रांति के बाद में उस देश को चमका दिया। बस सर, मेरा आखिरी सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है, यही पूछने वाला था कि जितने कुशल चे गुवेरा क्रांतिकारी थे, क्या उतने ही हुनरमंद शासक या योजनाकार थे जिन्हें प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना आता था। अक्सर होता है ना कि एक आदमी सत्ता कैसे गिराए इसका विज्ञान तो साध लेता है, फिर सत्ता में खुद आकर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई जो इतना कुछ कहा था, मॉडल बनाया था, वो कैसे इम्प्लीमेंट करें। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, मंत्री के नाते तो ये बहुत सफल थे और उनको वहां पर भी खूब इज्जत हासिल थी और दुनिया में भी, और बल्कि वो खुद जाकर के, चूंकि उस ढंग का पूरा तेवर उनका था, तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, किसानों के बीच में जाके काम कर रहे हैं, और उनका आत्मविश्वास, चूंकि काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो किताब मैं हवाना से लेके आया उसमें कोरदा की एक किताब है जिसमें सार्त्र और सिमोन दो बुआ गए थे क्यूबा, तो चूंकि वो भी समर्थन करते थे क्यूबा की क्रांति का, तो उस वक्त वो क्यूबा की तस्वीरें कोरदा ने, उसी तस्वीर वही छायाकार हैं जिन्होंने चे का वो फोटो लिया था जिनका जिक्र मैंने किया अभी किया आपने, उन्होंने वो सारी तस्वीरों में सार्त्र और सिमोन दो बुआ उनकी यात्रा की हैं, उसमें जो तस्वीरें चे गेवारा के साथ में हैं, उनके मंत्री के रूप में उनके दफ्तर में बैठ के बात कर रहे हैं तीनों लोग, तो उसमें चे का आत्मविश्वास और उसे आप भांप सकते हैं कि वो कितने एक असरदार मंत्री वहां पे रहे होंगे, और उनकी छवि उस रूप में मंत्री के रूप में निश्चय ही अच्छी थी, इसमें कोई दो राय मेरे ख्याल में नहीं हो सकती है। जी, आप तो सर वहां घर वर गए थे उनके, पूरा देखा आपको, जो शुरू में आप वो सवाल था वही मेरा आखिरी अब सवाल है कि आपने घर वगैरह देखा, कैसा घर था, और उनके व्यक्तित्व का कोई पहलू क्या उस घर के सहारे भी सामने आता है, चरित्र का भी? निश्चय ही, बहुत छोटा घर, इसलिए बाद में तो उसको उनकी स्मृति में वो एक शोध केंद्र बना दिया गया। अच्छा। लेकिन घर तो वही था जिसमें वो रहते थे, वो इतना छोटा घर था, लगता नहीं था कि मंत्री का घर होगा, और जब हम लोग वहां पहुंचे तो क्यूबाई बैंक के गवर्नर का घर था, मतलब सारा पैसा उनके हाथ में था तो हाँ और क्या, लेकिन उन्होंने वो तो चूंकि ये तो है कि क्यूबा के क्रांतिकारी फिदेल के साथी भी और भी तमाम लोग, उन लोगों ने वो जीवन तो जिया, मतलब जो कहते थे वो उस ढंग से उन्होंने किया भी, उन्होंने किसानों की जमीनें ली, जमीनें उनको बांट दी, जमींदारों की जमीनें लेकर के, और यहाँ की उस रिपोर्ट में चे ने लिखा भी है कि ये किसानों के साथ नहीं तो भूदान और इस तरह से करके कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो वहां पे बोले हमने जिस तरह से किया कि जमींदारों की जमीनें ली और किसानों को जमीनें बांट दी, तो वो तो उन्होंने जो कहा उस ढंग से किया भी, और उनका जीवन भी सादगी से
ही भरा हुआ था, ऐसा कोई विलासिता वाला जीवन उनका रहा हो ऐसा भी नहीं है। और ये जो घर जो था ये बहुत सामान्य सा घर, नीले रंग का छोटा घर, और जैसे मैंने कहा कि बूंदाबांदी में मेरे दोस्त वो तो बाहर ही बैठे रहे गाड़ी में कि अब आप ही हुआ ये, क्योंकि उनको कोई इतना शायद अंदाजा भी नहीं था। बाद में जब मैंने कहा अच्छा अच्छा चिगेवरा का घर था ये तो आपने हमको पहले नहीं बताया वगैरह तो पर जो बहुत मॉडेस्ट कहना चाहिए घर, और उसे लगता था कि हाँ वो लोग अपने हमारे यहाँ तो ये होता ना कि अगर कोई सांसद भी बन गया तो उसके बाद उसको बड़ा बनना चाहिए, और फिर जितना बड़ा वो ले सकता है बंगला वो उसके लिए भागदौड़ करता है। मेरे ख्याल में उन्होंने खुद चुना होगा कि ये छोटा घर मैं इसमें रहना चाहूंगा, क्योंकि वो तो उनके हाथ में था, चाहते तो उससे थोड़ा बड़ा घर भी हो सकता था। और बाद में तो उन्होंने खैर अपने लिए जंगल चुना, क्रांति चुनी और वो मौत चुनी जो आज ही के दिन 1967 में उन्हें बोलिविया की सेना के हाथों मिली CIA के इशारे पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतनी लंबी बातचीत हुई, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। आपका आर्टिकल तो पढ़ा था लेकिन मैंने मन बनाया था कि कोई मौका होगा तो आपके अनुभव जरूर सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम दिया आपने।